जी कल एक रेड पर गया हुआ था, वहाँ एक दर्दनाक जो उनके साथ हादसा हार्ट फेल हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी पंचुअल और काफ़ी बहादुर मुलाजिम था हमारे करनाल पुलिस का, जिसकी ऐसे में काफ़ी क्षति है जो शायद ही पूरी हो पाएगी। एसटीएफ में सर, अब फिलहाल एसटीएफ में इसकी पोस्टिंग थी, एसटीएफ हमारा में। तो सीआईए में भी आपके साथ हाँ, हो रहे? सीआईए में भी रहे थे, वहाँ भी एसटीएफ मेरे साथ रहे थे। काफ़ी बड़े बड़े केस सोल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा वो। वो जो क्षति वो करके गया शायद दोबारा पूरी ना हो पाए। ये तस्वीर देख सकते हैं, फिलहाल वो अंबाला एसटीएफ में तैनात थे, इससे पहले वो सीआईए में रहे हैं, इससे पहले वो सिक्योरिटी ब्रांच में रहे हैं। ये तस्वीर आप जानते हैं, पहचानते हैं। एक दुखद खबर आती है जो करनाल के लिए और पुलिस महकमे के लिए काफी दुख भरी थी। राजेंद्र राणा, आप कुछ लोग नाम से पहचानते होंगे, कुछ लोग उन्हें उनकी शक्ल से पहचानते होंगे और कुछ लोग उन्हें उनके काम से पहचानते होंगे। और जैसे ही सूचना मिलती है कि राजेंद्र राणा जी के हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो जाती है, तो पूरे पुलिस महकमे में, करनाल में शोक की लहर हो जाती है। ये तस्वीर देख सकते हैं, फिलहाल वो अंबाला एसटीएफ में तैनात थे, इससे पहले वो सीआईए में रहे हैं, इससे पहले वो सिक्योरिटी ब्रांच में रहे हैं। ये तस्वीर आप जानते हैं, पहचानते हैं। और एक रेड के लिए वो झारखंड में गए हुए थे अपनी टीम के साथ, और जैसे ही वो झारखंड पहुंचते हैं, रांची पहुंचते हैं करना अंबाला से, और उसके बाद वहां पर वो आराम करते हैं खाना खाने के बाद, लेकिन उसी दौरान जो है हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। करनाल के सगा गांव के वो रहने वाले हैं। आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो करनाल के कल्पना चावला के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा है, और तमाम पुलिसकर्मी, तमाम उनके गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं। उनके साथ लंबे वक्त तक रहे दीपेंद्र जी हैं हमारे साथ। दीपेंद्र जी, एक बहुत ही दुखद खबर जैसे ही मिली, और आप लोग काफी लंबे समय से टीम में आप उनको लीड कर रहे थे। जी कल एक रेड पर गया हुआ था, वहां एक दर्दनाक जो उनके साथ हादसा हार्ट फेल हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी पंचुअल और काफ़ी बहादुर मुलाजिम था हमारे करनाल पुलिस का, जिसकी ऐसे में काफ़ी क्षति है जो शायद ही पूरी हो पाएगी। एसटीएफ में सर, अब फिलहाल एसटीएफ में इसकी पोस्टिंग थी, एसटीएफ हमारा में। तो सीआईए में भी आपके साथ हो रहे? सीआईए में भी रहे थे, वहाँ भी एसटीएफ मेरे साथ रहे थे। काफ़ी बड़े बड़े केस सोल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा वो। वो जो क्षति वो करके गया शायद दोबारा पूरी ना हो पाए। कहाँ के रहने वाले हैं, संस्कार कब होगा? गांव सगा के रहने वाले हैं, संस्कार कल शाम को पोस्टमार्टम के बाद होगा। तो रेड के लिए गए हुए? जी एक रेड के लिए गए थे। तो परिवार के लिए भी काफी दुखद? सभी के लिए, परिवार के लिए भी, साथी कर्मचारियों के, पूरे गाँव के लिए भी, सबके लिए बहुत दुखद की घटना। तो आप समझ सकते हैं परिवार के लिए कितनी दुखद ये बात है, क्योंकि एक जो पुलिस मुलाजिम होता है वो लगातार अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है, अपने काम के लिए जाना जाता है। गांव से कुछ लोग हैं, आप गांव के ही रहने वाले हैं? पुलिस महकमे से हैं, तो जानते होंगे उनके काम को, पहचान। मेरे साथ ही नौकरी करते थे। आप भी एसटीएफ में ही हैं? सीएफ स्टाफ में। कुछ पल ऐसा जो उनके साथ आपने बिताया हो काम को लेकर? बहुत ही अच्छे, ईमानदार और बहुत ही बेहतर मुलाजिम थे, मेहनती, कड़ी मेहनत करते थे वो। उनको कुछ दिन पहले भी कहा था भाई आप इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उनको, भाई आप उस पर नहीं जाओ, लेकिन मेहनती आदमी थे वो, चले गए रेड पे, फिर भी चले गए ये बात होने के बावजूद भी। थोड़ा कैस्ट्रोल उनका बड़ा हुआ था इसलिए वो फिर भी चले गए। बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे। काफी दुखद खबर है परिवार के, काफी दुख परिवार के लिए, गांव के लिए और पुलिस महकमे के लिए बहुत बड़ी दुखद है ये। उसके लिए वो कहने के लिए कुछ आप समझ सकते हैं। पीछे वो तीन बच्चों को छोड़ के गए हैं, दो गुड़ियां हैं, एक उनका बेटा है, और जब भी वो अपने पापा को देखते होंगे, क्योंकि समय जो भी पुलिस कर्मचारी होता है या आर्मी अफसर होता है या आर्मी का जो जवान होता है, उसे घर जाने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब भी वो घर जाते होंगे तो अपनी माँ से मुलाकात करते होंगे, अपने पिता से मुलाकात करते होंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलते होंगे, उनसे बातें शेयर करते होंगे, और
कुछ दिन पहले हमारी भी मुलाकात हुई थी और काफी हसमुख स्वभाव के थे, बड़े अच्छे तरीके से वो मिलते थे। सीआईए में जब हम प्रेस वार्ता में जाते थे तो वहां पर भी बातचीत होती थी, अपने काम को लेकर वो पूरे सजग थे, पूरी तरह से निष्ठा के साथ वो काम करते थे। और इसी निष्ठा के साथ जब उन्हें पता चला कि झारखंड में एक रेड है, एक काम पर जाना है, वहां से इंक्वायरी जुटानी है, अगर किसी को पकड़ कर लाना है तो वो भी जाना है, अपनी टीम के साथ गए थे। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद आराम करने लगते हैं तो उसी दौरान उनका हार्ट फेल हो जाता है और खबर ये आती है कि राजेंद्र राणा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका पार्थिव शरीर आज पहुंचा है करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सगा गांव के वो रहने वाले हैं, तीन छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, दो गुड़िया हैं, कुछ गांव, आप गांव से ही हैं, रिश्तेदार हैं क्या कुछ जी? बच्चे कितने बच्चे हैं उनके? दो लड़की हैं, एक लड़का। एक लड़का है, किस तरीके का स्वभाव उनका? बहुत बढ़िया स्वभाव था जी, बहुत ही बढ़िया स्वभाव था, सबसे मिलकर चलते थे, काम को लेकर भी पूरे सजग रहते, पूरे सतर्क रहते थे काम पे भी, परिवार के लिए भी बहुत बड़ी जी, रिश्तेदारों के लिए भी, परिवार के लिए भी, गांव वालों के, गरीब जनता के लिए बहुत वो मदद करते थे जी। आप समझ सकते हैं उनके बच्चों पर क्या बीत रही होगी, वो इंतजार कर रहे होंगे कि पापा झारखंड गए हैं, पापा रांची गए हैं, आएंगे मिलेंगे और हम कुछ बातें करेंगे, कुछ अच्छे पल बिताएंगे। उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही होगी, लेकिन खबर वहां से ये आती है कि अब राजेंद्र राणा इस दुनिया में नहीं रहे। एएसआई वो थे और इससे पहले वो सिक्योरिटी ब्रांच में रहे, सीआईए वन में वो तैनात रहे, दीपेंद्र राणा जी के साथ उनकी टीम में वो काम करते थे, अब वो एसटीएफ अंबाला में काम कर रहे थे और बहुत सारे केस उन्होंने सॉल्व किए अपनी ड्यूटी में, सीआईए में रहते हुए अंबाला एसटीएफ में वो लगातार केस सॉल्व कर रहे थे, जहां से भी ये पता चलता था यहां पर अपराधी है, यहां पर आरोपी है, उसे पकड़ कर लाना है, तो अपनी टीम को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे ताकि देश की सेवा की जा सके, करनाल वासियों की सेवा की जा सके, उन अपराधियों को पकड़ा जा सके। लेकिन एक रेड के दौरान यह खबर आती है कि उनकी हृदय की गति रुकने से उनकी मौत हो जाती है, यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। परिवार के लिए, गांव वालों के लिए, करनाल के लोगों के लिए, अंबाला एसटीएफ के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए एक बेहद बुरी खबर है और काफी बड़ी क्षति वो पीछे छोड़कर जा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये दुख उनके परिवार वालों पर पहाड़ की तरह टूटकर बना है, तो एक ढांढस जो पुलिस कर्मचारी हैं वो बंधाएं उनके साथ, पुलिस मुलाजिम उनके साथ बनाएं और परिवार के साथ बने रहें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।